गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू गाइस? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये देखिए हमारी गुड़िया रानी को मैं कैसे सुला रही हूँ। बहुत ही प्यारी सी गुड़िया रानी सो रही है, प्यारी प्यारा प्यारा निन्नी कर रही है चुनु बेटी को। इसको मैं ऐसे ऐसे सुला रही हूँ, अब तो सीख गई। हमेशा मतलब इनको लेना पड़ता है, अगर बिस्तर में रख दिया तो ये रोती रहती है। सीख गई है, गोदी में लेना सीख गई है। गुगलू बेटी। चंचन बेटी, ये देखिए कैसे रो रही है। इसको दूध, इसको भूख लग गई। चंचन बेटी, आपको भूख लगा है। दूध खाना है। आपको दूध खाएगी। चंचन बेटी, चलो। तो अभी हमारे बच्चे को भूख लगी है तो खा रही है। अभी मैं थोड़ा सा ठीक करती हूँ बिस्तर, तो एकदम मतलब क्या बताऊँ हालत। सारे कपड़े, बच्चे के सारे कपड़े, ये देखिए। ये सब जो है ना, इसको लंगोटी बोलते हैं हमारे भाषा में, दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये जो कपड़ा है ना, इतना सॉफ्ट है। ये साड़ी के कपड़े, जो कॉटन के साड़ी होते हैं उसके कपड़े, और ये पुराने यूज्ड किया हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। बच्चों के लिए यही मतलब अच्छा होता है, तो इसलिए यूज़ कर रहे हैं। ये जो हम लोगों ने बाज़ार से लिया था, इतना सॉफ्टनेस नहीं आ रहा है इसमें से, इसलिए हम लोग सॉफ्ट कपड़ा जो साड़ी से हम लोग बनाए थे, सॉफ्ट कपड़ा यूज़ कर रहे बच्चे के लिए, और बहुत ही सॉफ्ट है। लेकिन ये एक सेकंड में ख़त्म हो जाती है, ये सब ख़त्म हो जाती है। इतना सुसु करती है, इतना पोटी करती है बच्ची, हर बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो कपड़े कम पड़ जाते हैं। फिर इसको धोते सुखाते हैं। धोने का काम मम्मी कर रही है, क्योंकि मम्मी को पता है कैसे धोना है, कितने अच्छे से धोना है, और कितना डेटॉल कितना इस्तेमाल करना है, डिटर्जेंट कितना इस्तेमाल करना है, वो मम्मी को ज़्यादा पता है। तो मम्मी धो रही है, अगर मैं धोऊंगी तो गड़बड़ कर दूंगी, पर सीखना तो ज़रूरी है गाइस, तो मैं सीखूंगी। डोंट वरी। नींद आ रही है, और रात को हम लोग सोते कहाँ हैं, बच्ची जग जाती है। मैं मामोश मेरी के साथ सोती हूँ, रात के 2 बजे उठ जाती है, 3 बजे उठ जाती है, तो ऐसे ही मतलब मुझे हेल्प करनी पड़ती है मौसमी को, तो नींद अच्छे से नहीं हो पाती, तो उठना पड़ता है, डायपर चेंज करनी पड़ती है, कपड़ा चेंज करनी पड़ती है, बस ऐसे ही चलता रहता है आजकल तो। तो देखिए गाइस, कुछ हद तक साफ़ कर लिया मैंने, ये कपड़ा मैंने ठीक कर लिया, और ये देखिए, हाँ मैं बिछा रही हूँ, ये देखिए, ये चीज़ें हमेशा यहाँ पे रहती है, कभी भी ज़रूरत पड़ती है ये सब, वाइप्स, लोशन, ऑयल, सरसों के जो दाने नहीं होते, ज़रूरत पड़ती है इसको लेके। और ये क्या चीज़ें बताओ, मैं आपको, मम्मी ने पिलो बनाया, क्या होता है कि ये जो हमारा सर का जो बैक साइड है, ये एकदम फ्लैट हो जाती है, और बहुत सुंदर से क्या होता है, बैलेंस क्या बोलते हैं उसको, ठीक हो जाती है। तो चुटकी वगैरह डालने से भी बहुत अच्छा होता है, मतलब एक अच्छा सा शेप बन के तैयार हो जाता है। अगर बचपन में इसी समय अगर करेंगे तो बाद में बहुत सुंदर से शेप बन के तैयार हो जाती है, तो इसलिए हमने ये बनाया है, मम्मी ने बनाया है ये। नहीं, ये कपड़ा तो बदलना, मतलब
खोखली में थी। अभी हमारी गुड़िया रानी सो रही थी, अभी जग गई फिर से। ओए 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 ए अरकान दे सारी करूंगी गुगली बेटी चुनचुनु बेटी चुनचुनु बेटी। मैं तो गुड़िया रानी के साथ सोती हूँ। गुगली बेटी गुगली बेटी गुगलू बेटी गई गुगलू बेटी गई गुगलू बेटी गई। चुन चुन बेटी आज तो नहीं आएगी, ठंडी लग गई आपको, ठंडी लग गई। अभी मैं काम करने जाती हूँ, बाय बाय। मम्मी कपड़ा धो लिया। तो गाइस मैंने नहा लिया, अभी अभी खाना बनाना है। आलसी लग रही है आजकल, बहुत आलसी लगती है, और ऊपर से रात को सोते नहीं है बच्ची। रात को जब जाते हैं वजू करते हैं, पटरी करते हैं तो उठना पड़ता है। अभी नींद आ रही है, खाना भी बनाना है। चलो भाई बना ही लेते हैं, लेट हो गया। धन धन मैट धन मनी धन मैट धन कारे बना पी रीता ओके क्या दो ऐसे बोलते दो पानी पकला गए ओके दो पानी लो को अभी मौसमेदी के लिए मम्मी खाना मम्मी मौसमेदी का करी मम्मी बनाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मौसमेदी का करी थोड़ा सा मतलब कम मसाले में टेस्टी बनाना है, तो वो मम्मी करेगी इसे। और मैं इन लोगों के लिए देख के क्या बनाती हूँ। आज का दिन बहुत ही लेजी हो रखे हैं, और अरे अभी तक खाना बनाने ही टाइम बहुत लेट हो गया। क्या हो रहा है, आज कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। नींद आ रही है। देख सकते हैं मम्मी अभी तड़का लगाएंगी, ये देखिए। ये हो गया लौकी की सब्जी, मतलब लौकी से क्या बनाएगी मेरी मम्मी, लौकी के साथ मछली ऐड करेगी मौसमेदी के लिए। लौकी के साथ मछली बनाएगी, मतलब लौकी में मछली डाल के बनाएगी। तो अरे मुझे भी तो बनाना है मम्मी, आपका ख़त्म हो उनसे बोलना, मुझे भी तो बनाना है, लेट हो गया। पानी तो गर्म हो गया था, उन्हें चलता चलता यार बहुत ही गर्म है पानी। अब इसको ये बॉइल्ड वाटर है मौसमेदी के लिए रखते हैं, मतलब बच्ची के लिए भी इन केस चाहिए होता है, मतलब जैसे कि हो गया आपका चेहरा धोना, चेहरा मतलब साफ़ करना, उसमें भी चाहिए होता है गर्म पानी बच्चे के लिए। और अगर इन केस लोग अगर लैक्टोजन वगैरह देना पड़ता है तो तब तो चाहिए होगा बॉइल्ड वाटर, तो इसलिए हम लोग हमेशा बॉइल्ड वाटर रखते हैं मौसमेदी के लिए। अब इसमें क्या करोगी,
इसमें पानी डालोगी अभी? मसाला डाल दिया? ओहो, मैंने तो कवर भी नहीं कर पाई ब्लॉक से। मसाला तो कम डाला है ना? तो देखिए ये अभी बॉईल हो रही है और मम्मी नमक ऐड कर रही है, बहुत ही कम, मतलब इतना ज़्यादा कम भी नहीं, इतना ज़्यादा कम भी नहीं कि मौसमी दी को दिक्कत हो जाए, क्योंकि ज़्यादा कम होने से वो कंप्लेन करती है, मतलब वो खा नहीं पाती। तो जस्ट एक मीडियम रेंज पे, मतलब स्वाद अनुसार। मैं अभी ऑयल ऐड कर रही हूँ मछली फ्राई करने के लिए, उसके बाद मछली के ऊपर ही मैं दाल का तड़का लगाऊंगी। As I told you before, ये मछली जब मैं फ्राई करती हूँ तो पहले एक पलट मार देती हूँ ताकि चिपक ना जाए, इसी वजह से पलट मार देना चाहिए। मेरी बड़ी किसान ने सिखाया था ये, देखो ऐसे और ऐसे ऐसे करते ऐसे, हाँ अपने ही चिपकेगा। दोनों तरफ से ऑयल लग गया इसलिए नहीं चिपकेगा ये। एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब पहले तो आलसी लगता है, काम करने से पहले आलसी लगता है, लेकिन जब व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग यू नो, उसके बाद से क्या होता है कि आलसपन दूर हो जाती है। लेकिन करने से पहले सोचते कैसे करेंगे यार, कैसे करेंगे, बहुत आलसी लग रही है, नींद आ रही है, बोरिंग लग रही है, लेकिन जैसे ही करना शुरू तब से ही मतलब आलसीपन दूर हो जाता है और पता भी नहीं चलता और काम भी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैं अभी बना रही हूँ, मैं भूल भी गई कि मुझे आलस आ रही थी। तो देखिए जैसे मैंने बोला था ये चिपकेगा नहीं, तो देखिए ये चिपका हुआ नहीं है, मतलब नहीं चिपका है, बहुत अच्छे से फ्राई कर पा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही मस्त तरीके से फ्राई कर रही हूँ। सो अभी लगभग ब्राउन होने वाला है, अभी हम लोग ऐड करेंगे हल्दी, जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च। मम्मी डांटती है मेरे को, इतना क्यों हिलाती है, इतना स्पीड से क्यों हिलाती है, लेकिन मेरा हैबिट हो गया, मैं स्पीड से हिलाती रहती हूँ, मतलब फ्राई करती रहती हूँ, ये हैबिट है। लेकिन ये हैबिट बहुत ख़राब हैबिट है, मम्मी डांटती है ये मत क्या करो, थोड़ा धीरे धीरे से क्या करो, ऐसे तो मछली भी टूट सकती है। तो अभी मैं तड़का लगाने जा रही हूँ, ये देखिए। सो यू कैन सी कितना अलग और टेस्टी सा फ्लेवर निकल आ रहा है, टेक्सचर देखिए इसका। मेरा करी हो गया है तैयार, ये देखिए गाइस, ये हो गया मछली वाली, वो मछली का तड़के वाली दाल, और ये हो गया मम्मी ने जो बनाया था लौकी, इसमें फिश है मौसमी दी के लिए, और ये है ड्राई वाली फ्राई सब्जी, और ये है मेरी पनीर वाली दाल। तो जैसे तैसे करके खाना कंप्लीट कर ही लिया, मतलब खाना बनाना कंप्लीट कर लिया, अब खाने की बारी है, तो सबकी वेट कर रही हूँ, तो एक साथ बैठ के खाएंगे। एक नैप लेके उठी हूँ, अभी शाम हो गई, तो मैं अभी क्या करूँगी, चाय स्नैक्स वगैरह बनाऊँगी, अभी चाउमीन बना रही हूँ। ये देखिए मेरा चाउमीन हो गया तैयार, अब मैं इसको पेट भर के खाऊँगी। तो ठीक है, अभी मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड चाउमीन खाते रहिए। चलिए बाय बाय।